ये देखिए मुन्ना के स्कूल का बस्ता, ये उसके स्कूल की किताबें, ये मुन्ना के स्कूल की यूनिफॉर्म, ये मुन्ना की पहली जीन्स। कितना खुश था इसे पहनकर, वो पूरे घर में भाग रहा था। अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था, अम्मा हम कैसे लग रहे हैं, अम्मा हम कैसे लग रहे हैं इसे पहन के। ये मुन्ना का कप, ये उसके मेडल्स जो उसने खेल में जीते थे, कैसे भागते हुए आया था। अम्मा अम्मा देखो हम क्या जीत के लाए हैं, हमारे गले में बाहें वाला झूल जाता था। बाबू जी कुछ परेशान दिख रहे हैं। हाँ क्या हुआ बाबू जी? परेशान तो है बेटा, तुम्हारी अम्मा का बर्ताव बड़ा अजीब सा हो गया है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये उन्होंने शिव का कमरा खाली करवा लिया है, पता नहीं आगे क्या करेंगे। हमें भी चिंता हो रही है बाबूजी, सरला भी बहुत दुखी है। कल रात हम दोनों सो नहीं पाए, अम्मा के बारे में ही सोचते रहे। हमारा भी यही हाल है, हमें इस बात की चिंता हो रही है कि शिव को जब पता चलेगा कि उसकी अम्मा ने उसका कमरा खाली करवा लिया तो क्या बीतेगी उसके दिल पर। जी उसे पता चल चुका है। क्या, कैसे? वो हमारी बात हुई थी कल उससे। अच्छा, उसे बहुत बुरा लगा होगा ना? जी पहले तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने कहा अम्मा इस वक्त हर्ट है इसलिए ऐसा कर रही है, वो जल्द ही आकर अम्मा को मना लेगा। हमने कहा उससे कि इस बार अम्मा को मनाना जरा मुश्किल है, तो उसने कहा कि वो अम्मा को जितना जानता है उतना शायद कोई नहीं जानता। अब चिंता ना करे बाबूजी, वो जानता है कि अम्मा को कैसे मनाना है, वो जल्दी गौरी को लेकर आएगा और वो सब कुछ संभाल लेगा। हाँ उम्मीद तो है कि वो जल्द से जल्द गौरी को ले आए और जल्द से जल्द वो नर्मदा जी के पागलपन का इलाज करे। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात की भी आशंका है बेटा कि तुम्हारी अम्मा बस यहीं रुकने वाली नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ नया खेल खेलेंगी, क्योंकि वो अपमान की आग में झुलस रही है। अरे जय गंगे भाभी श्री, जय गंगे। जय गंगे जी, जय जी। भाभी श्री आपका तीर निशाने पे लगा के नहीं? एकदम सही निशाने पे लगाए जीजा जी। कहा कहीं सब लोग बौखला गए हैं। हाँ मुन्ना तो हमारी बात सुन के चुप हो गया, और वो गौरी उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। सच कहें जीजा जी, अब जाके हमारे कलेजे को ठंडक मिली। पर भाभी श्री हमारे कलेजे को तो तब ठंडक मिलेगी जब शिव गौरी को छोड़कर बनारस वापस आएगा। कहा कहीं। हाँ जीजा जी, लेकिन कैसे आएगा? अरे हम बताते हैं ना, आप ध्यान से सुनिए। आप किसी भी तरीके से शिव को जायदाद से बेदखल करवा दीजिए, बस फिर देखना कैसे सावन साहब स्वयं शिव को वहां से भगाते हैं। अरे किस बाप को ऐसा दामाद पसंद आएगा जिसके पास ना घर हो ना पैसा। कहा गई। एकदम सही गई जीजा जी, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका ये काम हम जरूर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारा एक काम करना होगा। ये खबर आपको अभी इसी वक्त गौरी के बाबा तक पहुंचानी होगी। अरे भाभी श्री हाथ कंगन को आरसी क्या, अरे अभी लगाते हम गौरी के बाबा को फोन। घंटी बज रही है। हेलो कौन?
अरे शिव के फूफा जी बोल रहे हैं, प्रभुदयाल पांडे का कही। हाँ कही, कैसे बोल गया? शिव की अम्मा का संदेशा देने के लिए सावन साहब। वो क्या है कि अभी शिव का कमरा राम को सौंप दिया है उनकी अम्मा ने, और कुछ ही दिन बाद शिव को जायदाद से बेदखल करने वाली है। का कही? हाँ तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे बेटी के बाप हैं आप, आपको ये पता होना चाहिए। का कही? और वैसे भी शादी से पहले आपने ये घर देखा था, तभी तो रिश्ता किया था। एकदम बेकार बात कही आपने। अब मैं आपको अच्छी बात सुनाता हूँ। हमने वो घर नहीं, शिव को देख के शादी की थी। तो कि शादी से पहले बनारस सिर्फ गंगा नहाने के लिए आए थे काकी? ऐसा ही समझो। क्या हुआ जीजा जी? अरे आपने फोन क्यों कट कर दिया? उन्हें खरी कोटी क्यों नहीं सुनाई? अरे भाभी श्री जा, सुई चुभने से काम चल जाए, वह तलवार चलाने से क्या फायदा? आप ये सब छोड़िए, आप तो जाइए और माता जी के कान भरिए, जल्दी से शिव को जायदाद से बेदखल करवाइए, और साथ में अपने पति देव की लगाम को जरा कस के रखिए, क्योंकि वो आपके रास्ते में रोड़े जरूर रखाएंगे काकी। जीजा जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब समझ गए, बस एक बार माता जी हमारे हाथ में आ जाए फिर आप देखिएगा, मुन्ना के बाबूजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा जीजा जी हम चलते हैं, जय गंगे। ढेरों शुभकामनाएं भाभी श्री आपको, अब कोई भी काम हो आप याद कीजिए। जय गंगे। भगवान करे कि हमारे इस कदम के बाद गौरी के पापा वही करें जो हम चाहते हैं। मूर्ख मानसे प्रॉपर्टी बेदखल करते कसा कळला? पण अम्माचा निरोप द्यायला फुपाजीने फोन केला होता। कोणतो फुपा? एका जाऊ द्या, एक नवरा तो फुटक्या तोंडाचा, त्याच्या हातून काय पण होता नाही। तुम्ही काळजी करू नका, ओ गौरीचे सासरची माणसं अशी वागूची नाही। हो बाबा मलाही असंच वाटतंय। काय काय तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला माहिती आहेत ते लोक? मला माहिती आहेत, मी जवळन रंग बघितले त्यांचे, कळलं? जे करतायत ते करू द्या, म्हणा काय चांगलंच आहे, काय वाईट नाही त्यात। बरं एका दृष्टीनं गौरीचा संबंध तरी संपेल त्या लोकांशी, इथं तरी दोघं सुखाने राहतील। गौरीकडे त्या शिवनी बनारसची प्रेमाची पट्टी बांधली डोळ्यावर ती काढायला। बाबा गेले, त्यांच्या मनात येईल ना तेच करत। गौरी बाबा। अरे बाबा गुड मॉर्निंग, आई ना? मी चहा ठेवलाय। नाही चहा चहा ऍक्च्युअली काय झालं, सकाळी मला त्या प्रॉपर्टी डीलरचा फोन आला होता, इथे शेजारच्या बिल्डिंग मध्ये एक चांगला फ्लॅट आहे बाबा, पर अभी हम यहां सेटल। अरे सेटल काय, इथे किती वर्ष राहणार तुम्ही? अरे या घरात नळ सुद्धा नाही साधा। तो बाबा हम मकान मालिक से बात करते ना नल की। अरे पण त्या नळाला पाणी तर यायला पाहिजे। अरे घर अतिशय हवेशीर आहे, 24 तास पाणी आहे, बाग बगीचा काय नाही आहे तिथे। तुम्ही एकदा घर बघून द्या, वाटलं तर 6 महिन्याचं भाडं मी भरतो, भाडं खूप कमी आहे। नाही बाबा, बाबा हे बघ खरंच गरज नाहीये। अगं ते पैसे नंतर परत करा ना मला, आता घर बघून तो येऊ तुम्हाला आवडेल। पर बाबा अभी घर बदलण्याची जरूरत नाहीये। अरे परवडत असेल तर काय हरकत आहे? एक सांगतो, बिल्डिंग खाली बस स्टॉप आहे, तुला उन्हातारा चालायला लागणार नाही, कळलं? पर बाबा। अरे बघून यायला काय हरकत आहे एकदा? बस बाबा। बाबा देखिए अगर आप हमारी बात कर रहे हैं तो हमारी बात तो सुनिए, हम यह घर बसाने के लिए नहीं आए, हम अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए आए। हम आपको यह समझाने के लिए आए हैं कि आपकी बेटी है आपके आंखों के सामने नहीं,
वहां बनारस में अपने ससुराल में ज्यादा खुश रहेगी, क्योंकि वो हमारा घर है। शिव, शिव तू जरा, हे बाप तू जरा शांत हो। बोल दे तर। माझी सोच बदलायची ना त्याला? नाही, माझी सोच बदलेल तो, कारण मी ब्रॉड माइंडेड आहे, खूप मंडूक वृत्ती नाही माझी। पण तेरे घरवाले उनका क्या? तुम्हारी पत्नी को अपनी बहू नहीं मानते वो, उसका क्या? ऐसी बात नहीं है बाबा, जितना करीबी रिश्ता हमारा है उस घर से उतना ही गौरी जी का है, जितना हक हमारा है उतना ही गौरी जी का है। अरे हेच तो सांगतो मी, शायद अपने लोगों को पहचाने में गलती की है तुमने। जिस घर को तुम गौरी का घर बता रहे हो ना, वो घर तुम्हारा भी नहीं है अभी, क्योंकि तुम्हारी अम्मा उस घर से कानून बेदखल कर रही है तुम्हें। आणि ही बातमी तुझ्या अम्मानी मला तुला द्यायला सांगितली होती। आज तुझ्या फुपाजींचा फोन आला होता, मी मुलीचा बाप आहे ना, तेव्हा माझ्या जावयाला त्याच्या घरच्यांनी घरापासून वेगळं केले हे मला माहित असायला हवं, म्हणून त्यांनी फोन केला। जरा डोळे उघड, त्या घराच्या आणि घरच्यांच्या जीवावर बनारसची जी खोटी आशा लावून बसलायस ना दिवी सर, आणि मुंबईत नव्यानं संसार सुरू कर। प्रणाम बाबूजी। हाँ खुश रहो, 100 साल उम्र है बेटा तुम्हारी, अभी हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे, बड़ी चिंता हो रही थी तुम्हारी। बाबूजी आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे अपने आप को। आप बताइए अम्मा कैसी हैं? तुम्हारी अम्मा का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है बेटा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें उनका। उनके साथ कैसा बर्ताव करना है आप उसकी चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम आके सबको संभाल लेंगे, हमें पता उन्हें क्या चाहिए। आप बस ये देखिए कि वो फूफा जी से ना मिले ज्यादा, फूफा जी उन्हें बहकाया नहीं, इसका ध्यान रखिए। मतलब हम समझे नहीं, फूफा जी ने बाबा को फोन किया था। क्या क्या बातें हुई फोन पर? अम्मा का नाम लेके उन्होंने ये कहा है कि जिस कारोबार और हवेली जायदाद को देख के गौरी जी का हाथ हमारे हाथ में दिया था, उससे हमें बेदखल कर दिया। लेकिन ऐसी कोई बात तो यहाँ हुई ही नहीं है, झूठ है ये सब। हम जानते हैं बाबू जी, हम भी पहले डर गए थे, फिर हमें पता लगा कि ये चीज फूफा जी ने की है, तो हम समझ गए फूफा जी का कांड है अम्मा का नहीं। आप बस इतना पता लगाइए कि ये बात फूफा जी के मन से निकली है, ये अम्मा को बहका के उनसे कहलाई गई है। तुम चिंता मत करो, हम अभी बात करते हैं तुम्हारी अम्मा से। माता जी आपके लिए दूध और फल लाए, खा लीजिए। हमारा मन नहीं है जौनपुर वाली। माता जी खाएंगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? हम तो कहते हैं इस उम्र में आपको उपवास नहीं रखने चाहिए। अब उपवास रखा है, फलाहार नहीं करेंगे तो तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? नहीं, रहने दो। माता जी देखिए जिद ना करें आप, थोड़ा सा खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। माता जी हम जानते हैं आप मुन्ना की याद में दुखी हैं, अब देखिए हम भी तो मुन्ना को भूलने की कितनी। सरला जी, ये पुताई रहने दो और जाके रसोई संभालो। जी अम्मा जी। माता जी हम भी तो मुन्ना को भूलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भला एक माँ अपने बेटे को भूल सकती है क्या? इसीलिए हार के हम ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माता जी हमें इसमें आपका साथ चाहिए, नहीं आपकी इजाजत के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहती हो तुम? माता जी हम क्या कह रहे हैं, आप मुन्ना को ना
जायदाद से बेदखल कर दीजिए। अरे ये क्या कह रही हो जौनपुर वाली तुम? हम सही कह रहे हैं माता जी, जैसे ही ये बात गौरी के बाबा को पता चलेगी ना माता जी, वो फौरन से मुन्ना को बनारस रवाना कर देंगे। हाँ भला वो अपनी बेटी को किसी कंगाल के साथ रहने देंगे? ठीक है, लेकिन ऐसे आने से क्या फायदा जौनपुर वाली, जिसमें मुन्ना मुंबई वाली को साथ ना लेके आए? अरे बात तो तब बने जब मुन्ना के साथ मुंबई वाली भी वापस आए। माता जी, गौरी मुन्ना के साथ ही बनारस वापस आएगी, आप निश्चिंत रहिए। जैसा हम कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए, फिर देखिएगा न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो कैसे? माता जी, इन दोनों को एक बार बनारस आने दीजिए बस। हम गौरी से उसका मायका ही छुड़वा देंगे, फिर देखिएगा आप। हाँ लेकिन वो माता प्रसाद तो। माता जी, हम मुन्ना के बाबूजी से चाहे जो बात करें, आप सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाइएगा, हम सब संभाल लेंगे। माता जी आप समझ रही है ना, आप सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाइएगा। हाय कितनी झूठी है अम्मा जी, क्या गजब का खेल खेल रही है, कह कुछ रही है और करना कुछ और चाहती है। जय गंगे। माता जी जय गंगे। सुनी जी हम क्या, आपने मुंबई जीजा जी से फोन करवाया था? जी। अब ये कौन सा नया तमाशा है आपका नर्मदा जी? वही तमाशा जो बंटवारे के नाम पर आपने मुन्ना को रोकने के लिए किया था। तो हम भी मुन्ना की खुशी के लिए ये जायदाद की बेदखली का नाटक कर रहे हैं, ताकि मुन्ना बनारस का मुंह छोड़कर गौरी के साथ वहीं मुंबई में खुशी से रहे। लेकिन ऐसे कैसे रह सकता? माता जी हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ जौनपुर वाली ठीक कह रही है जी। आप इनके हाँ में हाँ कैसे मिला रही हैं? आपको तो इन्हें समझाना चाहिए। माता जी पहले तुम समझो, ऐसा करने से मुन्ना और मुंबई वाली दोनों को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, फिर तुम देखना दोनों वापस आ जाएंगे। और वैसे भी उस माचिस की डिबिया में भला कितना दिन रह पाएंगे वो? लेकिन माता जी हम क्या? बस हमें कुछ नहीं सुनना, अब वही होगा जो जौनपुर वाली कह रही है। बस तुम जाओ जाके वो बेदखली के कागजात तैयार कराओ। और हाँ देना ही है ना तो थोड़ा बहुत रुपया पैसा दे दो, वहां गृहस्थी बसाने के काम आएगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अम्मा जी की साजिश रंग लाए, उससे पहले हमें गौरी को सच्चाई बतानी होगी। गौरी फोन उठाओ फोन उठाओ।
हेलो हाँ गौरी सुनो ना, हमें एक जरूरी बात बताने के लिए कॉल किया तुम्हें। कैसे बात भाभी? अरे अम्मा जी ना नई साजिश कर रही है। वो ना शिवप्रिया को जायदाद से बेदखल कर रही है ताकि तुम्हारे बाबा उनको वहां से भगा दे।